मिशन सुदर्शन चक्र भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस कवच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिफेंस यात्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे मिशन सुदर्शन चक्र की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह मिशन भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो हमारी सेना ठिकानों, नागरिक इलाकों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों को दुश्मन के हवाई हमलों से बचाएगा। मिशन का उद्देश्य, यह सिस्टम केवल सुरक्षा ही नहीं देगा बल्कि दुश्मन पर निर्णायक पलटवार भी कर सकेगा, और माना जा रहा है कि यह इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा ताकतवर और आधुनिक होगा। आयरन डोम से तुलना, आयरन डोम ने इजराइल को हजारों रॉकेट्स और मिसाइल हमलों से बचाया है और इसका सक्सेस रेट 90% से भी ऊपर रहा है। अब भारत का लक्ष्य है कि हम अपने सुदर्शन चक्र से इससे भी बेहतर सुरक्षा कवच तैयार करें। यह सिस्टम एडवांस सर्विलांस, इंटरसेप्शन और काउंटर स्ट्राइक क्षमताओं से लैस होगा, यानी हवा, जमीन और समुद्र कहीं से भी आने वाले खतरों को या तुरंत नष्ट कर सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर का सबूत, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आत्मघाती ड्रोन्स और हवाई हमलों को भारत ने स्वदेशी तकनीक से नाकाम किया था। यह हमारे बढ़ते आत्मनिर्भर डिफेंस का प्रमाण है। मौजूदा रक्षा प्रणाली, फिलहाल भारत के पास रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन सुदर्शन चक्र इससे कहीं व्यापक कवच देगा। यह केवल फौजी ठिकानों को ही नहीं बल्कि आम नागरिक क्षेत्रों और राष्ट्रीय धरोहरों को भी सुरक्षित कर सकेगा। नाम का महत्व, भगवान कृष्ण का पौराणिक सुदर्शन चक्र हमेशा स्टिक निशाना लगाकर लौट आता था, उसी से प्रेरणा लेकर भारत का यह मिशन भी पूरी तरह स्टिक और निर्णायक कार्रवाई करेगा। आत्मनिर्भर भारत की ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगा और इसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और लक्ष्य है कि 2035 तक यह सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाए। रणनीतिक स्वायत्तता, पहलगाम हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि भारत अब किसी ब्लैकमेल या विदेशी दबाव से डरने वाला नहीं है। मेड इन इंडिया हथियारों के दम पर हमने आतंक और दुश्मन दोनों को करारा जवाब दिया है। भारत का स्पेस पावर बनने का सफर, मिशन सुदर्शन चक्र के साथ ही भारत का स्पेस सेक्टर भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसी उपलब्धियां भारत को स्पेस सुपर पावर बना रही हैं। नासा के साथ निसार मिशन, जापान की JAXA और अन्य देशों से सहयोग हमारी वैश्विक पहचान को मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 2030 के बाद भारत का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 2020 में निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खुलने के बाद आज भारत में 300 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, और लक्ष्य है कि 2033 तक भारत की स्पेस इकोनॉमी $44 बिलियन तक पहुंच जाए। दोस्तों, मिशन सुदर्शन चक्र और भारत का बढ़ता स्पेस सेक्टर केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की पहचान है। आने वाले समय में भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि अंतरिक्ष में भी महाशक्ति बनकर उभरेगा। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल डिफेंस यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।